आपके भीतर वो कौन सी चीज है जो किसी विशेष प्रकार के भोजन का प्रतिरोध कर रही है। ये भोजन लेने का सबसे गलत तरीका है, इसे आधुनिक और वैज्ञानिक कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता इसमें वैज्ञानिक क्या है। ऐसे बहुत से अभ्यास हैं जो शरीर की गतिशीलता को इस तरह से बदल सकते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, लाखों लोगों के साथ ये हुआ है। भोजन से एलर्जी होना प्राकृतिक है या ये लोगों में बाद में विकसित हो जाती है? क्या ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें करके कोई भोजन की एलर्जी को दूर कर सकता है? देखिए, एलर्जी कई तरीकों में दिखाई पड़ती है, लेकिन एलर्जी का सबसे सामान्य प्रकार या तो त्वचा पर रैशेज या सांस लेने वाले अंग हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। या तो इसका असर त्वचा पर पड़ता है या फिर सांस की नली में किसी तरह की सूजन हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो हमें यह समझना चाहिए ये भोजन की एलर्जी है। अगर आप किसी और चीज के लिए एलर्जिक हैं, यानी कि कोई केमिकल या कुछ और, तो बात अलग है। लेकिन ये भोजन की एलर्जी है, इसका मतलब मैं इसे खा सकता हूं, आप इसे नहीं खा सकते, आप इसे खा सकते हैं, कोई और इसे नहीं खा सकता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। कुछ विशेष एलर्जी हम जानते हैं माता पिता से बच्चों में गई हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। लेकिन कुछ विशेष एलर्जी देखी गई हैं, माता पिता को वही एलर्जी है, बच्चों को वही एलर्जी है। तो वास्तव में ये एलर्जी किसी पदार्थ के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है। इन दिनों हम ये पहचान कर रहे हैं और वो इस पर लंबा चौड़ा एलर्जी टेस्ट कर रहे हैं। ये एलर्जी टेस्ट कई तरह की होती है कि नहीं? ये सारी टेस्ट करवाना पागलपन है। मुझे पता है जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपको ये पागलपन वाली चीजें करनी पड़ती हैं, वो एक अलग बात है। तो एलर्जी को कैसे दूर करें? देखिए, मुख्य चीज है कि शरीर किसी चीज का प्रतिरोध कर रहा है। योग में हम ये देखते हैं कि आपके भीतर वो क्या चीज है जिसे ये पसंद नहीं है। देखिए, एलोपैथिक चिकित्सा और इसमें अंतर ये है, एलोपैथी चिकित्सा ये देख सकती है कि भोजन में कौन सा केमिकल है जिससे एलर्जी हो रही है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपके भीतर वो कौन सी चीज है जो किसी विशेष प्रकार के भोजन का प्रतिरोध कर रही है, क्योंकि ये भोजन है, जहर नहीं है। बहुत सारे अभ्यास हैं। शांभवी से ही बहुत सारे लोगों की बहुत से स्तर पर एलर्जी दूर हो गई, जबकि ये उस दिशा में काम करने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर आप उस दिशा में फोकस करना चाहते हैं तो शक्ति चलन क्रिया इस पर काम करने का बेहतरीन माध्यम है। आसानी से 6 से 9 महीने के समय में हम एलर्जी को दूर कर सकते हैं। मैं कहूंगा कपाल भाती करने का शक्तिशाली तरीका ही 60% समस्याओं का निदान कर देगा। दुनिया की 60% एलर्जी आप दूर कर सकते हैं अगर आप कपाल भाती का सही तरीका सीख लें। कपाल भाती का मतलब आपकी ऊर्जाएं कपाल तक पहुंचनी चाहिए। कपाल मतलब खोपड़ी का ये हिस्सा। आपकी ऊर्जाओं को ऊपर तक पहुंचना चाहिए। अगर आप कपाल भाती करते हैं तो खोपड़ी के ऊपरी हिस्से से ही पसीना निकलना चाहिए। अगर आप कपाल भाती करते हैं, इस जगह से ही पसीना बहना चाहिए। ओके। इसका मतलब आप सही से कपाल भाती कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से कपाल भाती करते हैं, मैं कहूंगा आपकी 60 से 70% एलर्जी चली जाएगी, नहीं तो इसका खास तौर पर निदान किया जा सकता है। अगर बच्चों को एलर्जी हो तो क्या करें? बच्चों को पेरेंट्स से एलर्जी, वो बहुत आम बात है। अगर 7 से 8 साल की उम्र से छोटे बच्चों को एलर्जी है, जो मुझे लगता है अमेरिका में बहुत आम है और ये भारत में भी बहुत आम बन रहा है, अगर आप एलर्जी को रोकना चाहते हैं, एक चीज आप कर सकते हैं, बच्चे के भोजन से दूध हटा दीजिए। हो सकता है एलर्जी दूध से ना हो, लेकिन दूध बहुत सारे तरीकों से आपके सिस्टम में एलर्जी लेकर आता है, क्योंकि आप दूसरे जानवरों का दूध चुराते हैं और पीते हैं, इसकी एक कीमत है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2.5 से 3 साल की उम्र तक आप उन्हें दूध दे सकते हैं, उसके बाद उन्हें गाय के दूध की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और आप गाय का भी दूध नहीं पी रहे हैं, आपको नहीं पता किस तरह का दूध आप पी रहे हैं, क्योंकि ये लाखों जानवरों का मिलावटी दूध है और आप पी रहे हैं। ये बिल्कुल पागलपन है। ये भोजन लेने का सबसे गलत तरीका है, इसे आधुनिक और वैज्ञानिक कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता इसमें वैज्ञानिक क्या है। आप लाखों गायों का मिला हुआ दूध पीते हैं, भैंस, गाय, हर चीज का दूध आप पीते हैं। मैं पूछता हूं कि आपको थोड़ा भी दिमाग है? जब बच्चे को दूध की जरूरत होती है, माँ का दूध है। एक बार वो पड़ाव पूरा हो जाए तो दूध की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चे के जीवन में जल्द ही पर्याप्त मात्रा में डालें
फलियां मेवे लेकर आते हैं तो वो बहुत स्वस्थ होकर बड़े होंगे, कुछ चोटों के अलावा। मुझे नहीं याद कब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गया, मुझे नहीं याद मैं कब लेकर गया। उसे बस कुछ बार चोटें लगी थीं, उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया, नहीं तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया, क्योंकि भोजन का ध्यान रखा गया था, बस इतना ही। और कम उम्र से ही अगर वो फल और इन चीज़ों को पसंद करने लगे, वो इन चीज़ों के साथ बड़े होंगे और उन्हें कोई उल्टी सीधी चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो अगर बच्चों में एलर्जी दूर करनी है तो एक चीज़ है दूध, दूसरी चीज़ है मांस से बनी चीज़ें। अगर उन्हें एलर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर उन्हें कम एलर्जी है तो ठीक है, अगर उन्हें एलर्जी बहुत ज़्यादा है तो मांसाहार मत दीजिए, उन्हें सब्जियाँ, ताज़े फल और ये चीज़ें खिलाइए, शरीर अपने आप को ठीक कर लेगा। अगर वो एक योग अभ्यास जल्द से जल्द शुरू कर सकें, सूर्य क्रिया या सूर्य नमस्कार जैसा सरल अभ्यास, इट कुड चेंज द डायनामिक्स ऑफ द बॉडी वेरी वेरी इन अ वे दैट यू वोंट बिलीव। ये शरीर की गतिशीलता को बदल देगा इस तरह से कि आपको विश्वास नहीं होगा। एक साधारण अभ्यास ये सब कर सकता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है, ऐसा मेरे आसपास के लाखों लोगों के साथ हुआ है।